अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम, हज्जन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी अंडे के कटलेट। तो अंडे के कटलेट के लिए जो मुझे सामान चाहिए वो ये है। चार अंडे मैंने बॉईल करे और उसको चार हिस्सों में मैंने काट लिया। आप देखिए गोल गोल इस तरह से। ये मैंने आलू बॉईल कर लिए। मैं इसको आलू को मैं छील रही हूँ। अब मेरे आलू छिल चुके हैं। अब मैं इसको मैश करूँगी, मैशर से मैश करूँगी ताकि ये कोई टुकड़ा मोटा ना रहे इसके अंदर, इसलिए मैं मैशर से इसको मैश करूँगी अच्छे से। अच्छे से मैश हो गए। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, काली मिर्च पिसी, ज़ीरा। मैं ये तीनों चीज़ इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, क्योंकि काला नमक भी डाला है ना, इसलिए थोड़ा डाला है। आधी चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच अरारोट। अरारोट डालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम वैसे आलू की टिक्की बनाकर हम तेल में डालेंगे तो वो फट के बिखर जाएगी, तो उसको बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा अरारोट डालना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने बाउल में कर लिया है। मैंने ये कटोरी ली है, इसमें थोड़ा सा मैं मैदा डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, थोड़ा सा मैंने पानी डाला। थोड़ा सा और डालूंगी। इसको हमें गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखना है। इसको अच्छे से फेंट ले, बस इसी तरह से पतला ही रखना है हमें। अब मैं लूँगी दो ब्रेड और उसको ग्राइंड करके उसका चूरा बनाऊँगी। वो मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने ब्रेड का चूरा बनाया। ये सब चीज़ घर में ही होती है, कोई चीज़ हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में से ही सब चीज़ निकलती है। ब्रेड भी आपके घर में होती है, आलू भी ज़्यादातर होते हैं, मैदा भी होता है, बहुत आसानी से अंडे भी होते हैं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और खिला सकते हैं सबको। देखिए मैंने थोड़ा सा ये भुरता लिया है और थोड़ी सी टिक्की टाइप बनाऊंगी, जैसे टिक्की होती है इसी तरह से हमें इस तरह से बनाना है, इस तरह से। अब इस तरह से हम एक पीस उठा के अंडे का इसके ऊपर रखेंगे। रख दिया। अब थोड़ा सा हाथ से हम इसको भुरते को और उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये इसको कवर कर देंगे। अब साइड से इस तरह से गोलाई देते हुए आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे बिल्कुल ऐसे ही शामी को आपकी तरह रख सकते हैं, चाहे तो अंडे का शेप दे सकते हैं, चाहे चौकोर दे बना सकते हैं, चाहे बिल्कुल रोल बना सकते हैं, जैसा चाहे आप इसको। अब मैंने अंडे का आकार दिया है इसमें, देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं सब बना लूँगी, एक एक करके मैं सब इसी तरह से बना के रख लूँगी। इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने, मैंने टिक्की रखी इस तरह से, फैलाया हाथ में, एक पीस उठाया इस पे रखा अंडे का। अब थोड़ा सा भुरका लेके आलू जो भी है मिक्स, वो इसको उठाकर थोड़ा हाथ से बस इस तरह से रख के कवर कर दें और चारों तरफ से इसको राउंड राउंड बस इस तरह से दबा लें, दबा दबा के इसको गोल कर लें। फिर जैसा चाहे इसको शेप दे सकते हैं आप। एक हाथ से मुझे इस तरह से डिप करना है इसमें मैदे के घोल में और दूसरे हाथ से हमें ब्रेड का चूरा लगाना है। दूसरे हाथ से हमें ये ब्रेड का चूरा लगाना है ताकि हमारा दूसरा हाथ सूखा रहे। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से ही हम उठा के तेल में डाल देंगे। फिर इसी तरह से हमें डिप करना है, फिर इसी तरह से चूरा लगाना है, फिर डाल देना है। इसी तरह से हमें सारे कटलेट जो है इसी तरह से एक एक करके हम सब डाल देंगे। ये देखिए ये मैंने डिप किया। अब दूसरे हाथ से
फिर मैं इस तरह से लगाऊंगी ब्रेड के चूरे को, इस तरह से लगाएं और बस फ्राई करने डाल दें। कितना आसान है। इसी तरह से मुझे सारे सेक लेने। देखिए ये खूब अच्छे से सेक रहे हैं। खूब अच्छे से हमारे ये कटलेट अच्छे से सिक चुके हैं। कटलेट हमारे तैयार हो गए। कटलेट हमारे तैयार हो चुके हैं, तो आइए इनको निकालते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। देखिए आप कितनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है। देखिए कितने ज़बरदस्त है ये वाकई में। काट के देखिए, खा के देखिए, इसको मज़ा आ जाएगा। तो कटलेट मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कटलेट जो है आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। आप इसमें दही, सौंठ, खटाई, हरी चटनी ये सब डाल के भी इसको खा सकते हैं। आप वैसे भी इसको खा सकते हैं चटनी से, सॉस से भी खा सकते हैं, और अगर चाहें आप तो इसमें दही डालकर भी खा सकते हैं। तो मैंने एक प्लेट दही की बनाई है और एक प्लेट मैंने वैसे बनाया है। तो आपको जो अच्छी लगे, आधे कटलेट मैंने ऐसे ही सॉस से खाने के लिए रखे हैं और आधे कटलेट का मैं बनाती हूँ। ये कटलेट बड़ा मैं बनाती हूँ आपको, इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी होता है। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे और बार बार मांगेंगे। एक बार खा लिया तो बार बार आप खाएंगे, बार बार चाहेंगे कि बार बार मिले। सारे कटलेट भूल जाएंगे इसके आगे अगर आपने दही डाल के इस तरह से खाया है तो। सारे दही बड़े भूल जाएंगे इसको खाने के बाद, इतने ज़बरदस्त लगते हैं ये। तो एक बार ये खा के देखें, बना के देखें, और हो सके तो कमेंट करें आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी हो आप कमेंट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप दही बड़े खाइए और हमें याद कीजिए।